नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं विशाल शर्मा। इस वक्त बाजार में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें हलचल देखने को मिल रहा है, उन्हीं स्टॉक्स का अपडेट लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। अब वो कौन कौन से बजिंग स्टॉक्स रडार पर हैं, ये जान लेते हैं। पहला स्टॉक है जोमैटो। इस पर जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है। जेफरीज ने अपने इंडिया मॉडल पोर्टफोलियो में से जोमैटो को बाहर कर दिया। जेफरीज अपने पोर्टफोलियो में से जोमैटो को हटाकर मेटल सेक्टर के शेयर को ऐड करना चाहते हैं। दूसरा स्टॉक है डाबर। आज बाजार खुलते ही डाबर में बड़े ट्रेड्स हुए। डाबर में 1.9 करोड़ शेयर्स यानी कुल 1,079 करोड़ रुपए वैल्यू के शेयर्स ने औसतन 571 रुपए शेयर पर हाथ बदले। खबर यहां ये है कि इस ब्लॉक डील के जरिए प्रोमोटर्स ने कुछ हिस्सा बेचा। वहीं तीसरा स्टॉक इंडिगो है। इंटर ग्लोब एविएशन के ओनरशिप वाली इंडिगो की बाजार में हिस्सेदारी अक्टूबर 2022 में 56.7% से गिरकर नवंबर 2022 में 55.7% हो गई। जबकि चौथा स्टॉक है स्पाइसजेट। जहां एक तरफ इंडिगो की बाजार की हिस्सेदारी कम हुई है, वहीं स्पाइसजेट की बाजार हिस्सेदारी इसी अवधि में 7.3% से बढ़कर 7.5% हो गई। अब नजर डालते हैं एनबीसीसी पर। एनबीसीसी इंडिया को उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन से 69 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मिला है, तो ये स्टॉक पर भी आप नजर रख सकते हैं। आईआरबी इंफ्रा दूसरा स्टॉक है। आईआरबी इंफ्रा स्टॉक स्प्लिट पर विचार कर सकते हैं। कंपनी की बोर्ड बैठक 4 जनवरी 2023 को होगी। वहीं हिंदुजा ग्लोबल को लेकर भी एक खबर आई। बोर्ड ने 19 दिसंबर को 1020 करोड़ रुपए के 60 लाख शेयरों की बायबैक को मंजूरी दी। बोर्ड ने 1700 रुपए प्रति शेयर के बायबैक को मंजूरी दी है। अब जाते जाते एलएन इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी जान लीजिए। एलएन इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आज से आप लोगों के लिए खुल रहा है। इसका प्राइस बैंड 234 रुपए से लेकर 247 रुपए प्रति शेयर के बीच होगा। तो इसी तरह बिजनेस से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिज तक।